मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट से शाही परिवार के सदस्य और एक पूर्व प्रधानमंत्री संसद गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1971 में यहां से भारतीय जनसंघ के टिकट पर जीते थे। बाद में ये सीट ग्वालियर राजघराने का गढ़ बन गई। उनकी रियासत का 1947 में भारत में विलय हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया यहां से 1984 से 1999 तक सांसद थे। ९६ में वे कांग्रेस से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। उनकी बहन यशोधरा राजे सिंधिया यहां से बीजेपी के टिकट पर 2007 में और फिर 2009 के उपचुनाव में जीती। इसके बाद इस सीट पर 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। इस बार आम चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर रूरल विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें भरोसा है कि ग्वालियर के वोटर एक बार फिर बीजेपी को चुनेंगे। इसकी वजह उन्हें मिलने वाली सरकारी योजनाओं का फायदा और प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है। जनता में मोदी जी को लेकर अपार स्नेह और ऐसा लगता है जनसंपर्क के दौरान कि जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहा है। मोदी जी ने देश के लिए भी काम किया है, समाज के लिए भी किया है और बेहतर विकास कराने का भी पूरी तरह से प्रयास किया है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है और ग्वालियर ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के भी सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बहुत बेहतर काम हुए हैं। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यहां हुए विकास के काम इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। हम ग्वालियर के विकास के मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे। ग्वालियर का जो विकास हुआ है, चारों तरफ जो विकास की धारा जो बह रही है, उसको निरंतर कायम रखना चाहते हैं। और एक नागरिक के तौर पे ग्वालियर के आपको क्या लगता है कि अभी किस किस क्षेत्र में और थोड़ा डेवलपमेंट होने की, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में जब डेवलपमेंट की आवश्यकता है, चिकित्सा में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, बाकी कई रोजगार में भी है, तो उसमें प्रयास करेगी सरकार, करेगी प्रयास। फिलहाल तो विकास बहुत हो रहा है, रोड भी अच्छी बन रही है और हर जगह विकास है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हल्का रह गया है, वो भी होगा थोड़ा। और हमारे क्षेत्र में लाइट की बहुत समस्या थी, आज हर जगह घर घर में लाइट मिलती है, 24 घंटे लाइट आती है। पहले कांग्रेस के राज में बहुत लाइट की कमी थी, आदमी बहुत परेशान था, हर चीज़ से परेशानी से लौटे गए। अब तो मोदी को बहुत ठीक। भरत सिंह कुशवाहा के सामने कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक हैं। वे ग्वालियर साउथ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं। उनका कहना है कि इस बार ग्वालियर की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी और उन्हें लोकसभा भेजेगी। ग्वालियर का बेटा ये चुनाव लड़ रहा है, मैं तो उनके और प्रशासन के बीच का माध्यम हूँ, उनके आवाज को उठाने का माध्यम हूँ, उनको अधिकार को दिलाने का माध्यम हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर के मेरे परिजन मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे। एक लंबा समय ग्वालियर में देखें लोकसभा में यहाँ पे भाजपा का कब्जा रहा है, इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। मुझे लगता है इतिहास बदलेगा। बीजेपी उम्मीदवार के विकास के जवाब में प्रवीण पाठक युवाओं में बेरोजगारी दूर करने और उन्हें 1,00,000 रोजगार के मौके देने का वादा कर रहे हैं। ग्वालियर के युवा दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रवीण पाठक का अपने युवा साथियों से वायदा है कि 1,00,000 रोजगार की व्यवस्था ग्वालियर में करेगा और ग्वालियर के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, ग्वालियर के युवाओं को रोजगार ग्वालियर में मिलेगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश के उन 8 लोकसभा सीट में से एक है जहां 7 मई को तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।